आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं सुविनायक तिवारी आरपीकेपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। मैहर भाजपा जिलाध्यक्ष ने 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर की एक प्रेस वार्ता। सांसद गणेश सिंह के समर्थन में करेंगे गुरु नानक स्कूल मैदान घंटाघर में विशाल जनसभा। मैहर भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन दिनांक 9 अप्रैल दिन मंगलवार को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री जी का आगमन माँ शारदे की धार्मिक नगरी जिला मैहर में हेलीकॉप्टर द्वारा सुबह 10-10 बजे होने जा रहा है। वह सर्वप्रथम मां शारदे मैहर वाली माता का दर्शन करेंगे, जहां पर प्रदेश के मुखिया प्रदेश एवं राष्ट्र की खुशहाली के लिए मां शारदे से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थापित हो। हमारे भारत राष्ट्र की ख्याति विकसित देश के रूप में संपूर्ण विश्व में अलंकृत हो, ऐसी कामना जगत जननी माता रानी से आशीर्वाद हेतु करेंगे। दर्शन उपरांत सतना जिले के 4 बार के सांसद लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह के समर्थन में गुरु नानक स्कूल गुरुद्वारा मैदान घंटाघर मैदान में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का माँ की धर्म से एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के धाम चित्रकूट से गहरा लगाव है, तभी तो यह उनका सतना जिले का दूसरा दौरा है। पूर्व में सांसद गणेश सिंह के नामांकन एवं रोड शो में सम्मिलित हो चुके हैं, निश्चित ही यह उनकी लोकप्रियता को प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से संपूर्ण मैहर जिला इस समय भाजपा एमपी के मन में मोदी में बना हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का मैहर आगमन मैहर की धरा को गौरवान्वित करने वाला होगा। आप सभी सतना एवं मैहर जिले के सभी लोगों से आग्रह है कि प्रदेश के मुखिया के उद्बोधन को अवश्य सुनने के लिए पधारें। रिपोर्ट रविंद्र सिंह मंजू सर, जिला प्रमुख आरपीकेपी इंडिया न्यूज मैहर। के साथ ही साथ मैहर के जनमानस में अपार खुशियाँ हैं, अपार स्नेह है, और कल दर्शन के उपरांत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गुरुद्वारा के सामने एक सभा को भी संबोधित करेंगे, और उस सभा में हम आपके माध्यम से भी अन्य सूत्रों से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से भी हम लोगों से अपील कर चुके हैं और कर रहे हैं कि आप कल मैहर में सभा स्थल पर पहुंचकर डॉक्टर मोहन यादव जी को सुने और उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करें, और उसके पश्चात डॉक्टर मोहन यादव जी यहां से लगभग 12 बजे उनका प्रस्थान होगा। आप सबसे भी मेरी अपील है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रवास के कार्यक्रम में आप सबका सहयोग, आप सबका साथ भारतीय जनता पार्टी बनाने में आपकी सराहनीय भूमिका होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।